तेल में डूबे हुए ब्रेक, डिक्स ब्रेक की आपको बैजिंग मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग व्हील की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, टॉपलिंग के लिए सिंगल पॉइंट मिल जाता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ इंटरप्ट कंट्रोल बार के साथ, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिल जाता है जो कि काफी हैवी ड्यूटी बनाया गया है, डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है इस ट्रैक्टर में, डुअल पंप मिल जाते हैं जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई के लिए जाने जाते हैं। की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 80 से लेकर के 1 क्विंटल तक का आपको इस ट्रैक्टर में वेट मिल जाता है आगे का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और न्यू फ्रेश धमाकेदार वीडियो। और दोस्तों, धमाकेदार वीडियो बोलने का तात्पर्य यह है कि यह ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीचर के साथ में आज मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर के कुछ डिफरेंट फीचर के साथ में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस ट्रैक्टर के डिफरेंट फीचर के साथ में। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर में यदि हम बात करें अल्टीवेटर पोजीशन की, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट 38 एमपीएच का आपको अल्टीवेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल ऑयल पंप मिल जाते हैं जो कि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको डुअल एक्टिंग ब्लेंच टाइप में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है जो कि ट्रैक्टर के टर्निंग रेडिएशन में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। यहाँ पर आपको एक और हाइड्रोलिक के लिए यहाँ पर ऑयल फिल्टर लगा होता है जो कि पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक की बैटरी सेंसिंग के लिए वर्क करता है। यहाँ पर आप बैटरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर बैटरी मिल जाती है जो कि 12 वोल्ट 75 एएच के साथ में आप आती है। यहाँ पर रेडिएटर की बात करें तो काफ़ी बड़ा आपको रेडिएटर मिल जाता है जो कि बेटर हवा कूलेंट के साथ में इस ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखता है। यहाँ पर आपको दोस्तों वाटर की पोजीशन मिल जाती है क्योंकि यह ट्रैक्टर वाटर कूलेंट के साथ में आता है। एयर क्लीनर की बात करें तो ड्राई टाइप आपको डुअल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्रोमैक्स की बैजिंग मिल जाती है। चलिए दोस्तों, इस ट्रैक्टर के थोड़ा सा राइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डुअल बॉस कंपनी के फ्यूल इनलाइन, डुअल बॉस कंपनी के डीजल फिल्टर मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर बॉस कंपनी के फ्यूल इनलाइन पंप के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। 40 एचपी का ट्रैक्टर है दोस्तों। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट 1.5 किलोवाट तक की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और हम इस ट्रैक्टर के आपको लुक दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस ट्रैक्टर का ऑल ओवर रिव्यू लाए हैं वो है ट्रैक स्टार की तरफ से आने वाला 540। तो चलिए दोस्तों, और भी इस ट्रैक्टर की आप लुक की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डुअल हेलोजन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर ट्रैक स्टार की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर बेहतरीन जाली लगा के दी जाती है जिससे रेडिएटर में अच्छी तरह हवा जा सके और इस ट्रैक्टर का इंजन बैटर कूलेंट के साथ में वर्क कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोमैक्स की आपको यहाँ पर भी बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों, ये ट्रैक्टर आता है तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक के साथ में, पावर स्टीयरिंग व्हील के साथ में आता है दोस्तों। और हम बात करें इस ट्रैक्टर के यदि फ्रंट एक्सल की, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाया गया है, देख सकते हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। और थोड़ा बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ऑलमोस्ट आपको 50 लीटर की यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यदि दोस्तों इस ट्रैक्टर के फुट स्टेपर की बात करें तो इंजन से कनेक्ट होकर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर बनाया गया है। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सपाट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इस ट्रैक्टर में ऊपर चलते हैं और बताते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, यदि हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें तो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर का टेम्परेचर मिल जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, लाइव आरपीएम, ट्रैक्टर कितने घंटा चला हुआ है, ट्रैक्टर का ऑयल टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर हॉर्न ऑन ऑफ करने के लिए आपको पोजीशन मिल जाती है, हेलोजन लाइट ऑन करने के लिए भी आपको पोजीशन, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट के लिए आपको बेहतरीन मिल जाता है, यहाँ पर पार्किंग लाइट के लिए भी मिल जाता है। यदि दोस्तों हम इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की बात करें तो आपको डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी हैवी टर्निंग रेडिएशन में वर्क करती है ट्रैक्टर की स्मूथ तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा राइड की बात करें तो आपको DCPC के लीवर मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पीड के लिए आपको पैडल मिल जाता है। मल्टीप्लेट ऑयल में डिस्क ब्रेक के साथ में यह ट्रैक्टर आता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर के यदि हम नंबर ऑफ़ गियर की बात करें तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेन 4 गियर मिल जाते हैं और रिवर्स भी साथ में मिल जाता है। ट्रैक्टर सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं PDO का भी लीवर दिया गया है राइट साइड में जो कि 540 रेटेड RPM पर वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लो हाई का आपको यहाँ पर एक और गियर मिल जाता है। यहाँ पर यदि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फाइबर का टूल बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें आप टूल को स्टोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और भी बात करते हैं इस ट्रैक्टर की सीट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस ट्रैक्टर की सीट आप किसान भाई अपनी कद काठी के हिसाब से इस ट्रैक्टर की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग लाइट और इंडिकेटर लाइट का बेहतरीन कॉम्बो मिल जाता था। यदि हम फेंडर के नीचे गैप की बात करें तो इस ट्रैक्टर में फेंडर के नीचे काफी अच्छे गैप बनाए गए हैं जो कि पल्डिंग या मचुआ करने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम माने जाते हैं। यहां पर इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट के बेहतरीन कॉम्बो मिल जाता है।
और दोस्तों इस ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज मिल जाता है। रिफ्लेक्टर की पोजीशन मिल जाती है, यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पर होल्डर बार कप दिया गया है। यहाँ पर आपको सिंगल टापलिंग के लिए पॉइंट मिल जाता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर की PDU पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 34 हॉर्स पावर का आपको PDU पावर मिल जाता है। यहाँ पर टाली फंसाने के लिए नॉक भी मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की यदि हम लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1800 kg की आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों यदि हम ब्रेकिंग लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक लॉक मिल जाते हैं जो कि पार्किंग करने में ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रात में पीछे साइड हेलोजन लाइट दी गई है जो कि बेहतरीन विजिबिलिटी प्रदान करेगी रात के समय में। यहाँ पर इंडिकेटर और ब्रेकिंग लाइट का बेहतरीन कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फेंडर की काफ़ी पोजीशन अच्छी दी गई है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की बात करें तो ये ट्रैक्टर पीछे के टायर की 13/6/28 टायर साइज़ के साथ में आता है। आगे के टायर साइज़ की बात करें तो यह ट्रैक्टर कंपनी MRF का टायर प्रेफर करती है जो कि 6/16 का होता है। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रैक स्टार की तरफ से आने वाले 540 की खूबियों से भरी डिटेल रिव्यू वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।